दर्द की आंच पर गमों को उबाल तू, दर्द की आंच पर गमों को उबाल तू, दिल में न ज्यादा बहमों को पाल तू। सामने मंजिल और खुला आसमां है, काट दे चारों तरफ बुने ये जाल तू। ये जवाना तेरा हो जाएगा, मदारी बन दिखा कोई कमाल तू, मदारी बन दिखा कोई कमाल तू। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केबीए स्टूडियो में आप सबों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे खास कार्यक्रम में आज आप सबों के बीच एक ऐसे युवा कलाकार से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही कम दिन में अपने गायकी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है और YouTube पर काफ़ी मशहूर हैं। तो आज मिलते हैं हम मशहूर YouTube सिंगर मोहम्मद सैफ अली से। नमस्कार, केविशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐसे तो आज यूट्यूब सिंगर के रूप में आज जी आप विषय में काफ़ी मशहूर हैं, फिर भी मैं चाहूँगा यहाँ से आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ KVS स्टूडियो का, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है बेगूसराय के अंदर में जी। कि जो आर्टिस्ट हैं उनको, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हिडन हैं, मतलब छुपे हुए हैं, तो उनको वो सामने ला के रख रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो भी लोग यहाँ मेंबर हैं। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं बरौनी से हूँ और मैं एक सिंगर हूँ और म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोज़र, लिरिक्स राइटर, मैं ये सारे काम भी करता हूँ। और मैं पहले पढ़ाई करने के लिए कोटा गया था क्योंकि पापा का यह ख्वाहिश था कि मैं मेडिकल करूं जी। बट वहाँ एक साल के बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप कर दिया पढ़ाई को जी। क्योंकि मेरा सपना कुछ और था, मेरा सपना था एक बहुत अच्छा सिंगर बनना, जो कि मुझको कोटा में जाके ही समझ आया कि कैसे बना जा सकता है। वहाँ जाके समझ आया कि म्यूज़िक प्रोडक्शन क्या है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, हम किस तरह से अपना एक एम सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। बाकी फिर मैं वापस आ गया और फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया गाना गाना, और मैं स्कूल टाइम से ही गाना गा रहा हूँ जी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात आपको ये सुनने को मिलेगी कि मैंने कहीं भी सीखा नहीं है जी। मैं स्कूल टाइम में, मेरी मैम थी सुप्रिया मैम, उन्होंने मुझको मार मार के, पीट पीट के मुझको गाने की तरफ लाया है उन्होंने, और बहुत चीज़ें बताई उन्होंने कि गाना कैसे गाना चाहिए। बट क्लासिकली जो ट्रेनिंग होती है वो मैंने कहीं से नहीं ली, बट कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सैफ जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने देखा है कि लगातार जो व्यूअर्स हैं आपको पसंद करते हैं, काफ़ी उनके सारे कमेंट आते हैं, वो आपको तो शाबाशी देते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा होता है कि जब ज़िले का अपना कोई इस तरह का उभरता हुआ गायक हो और ज़िले की पहचान बने। यहाँ तक चूँकि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे संघर्षों का आपने सामना किया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से अपने जीवन संघर्ष को साझा करें। बहुत सारा संघर्ष है जो मैंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में। जब मैं कोटा से ड्रॉप आउट होके, मतलब वापस आया था, जब मैंने पढ़ाई मेडिकल की नहीं करी और मैं वापस आया, तो तब से लेके आज तक मेरे पापा मेरे से सही से बात नहीं करते जी। मतलब मेरे से थोड़े, मतलब चिढ़े चिढ़े से रहते हैं। आपका, आपको ये लगता है कि आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनना देना चाहते थे जी, और आज कहाँ आप गाना, मतलब गायकी में आपका थोड़ा सा रुझान हो गया। बिल्कुल, इसके कारण थोड़ा सा पिताजी के प्रति या आपके प्रति जो दोनों के बीच में थोड़ा सा एक भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं ऐसी नहीं कि दूरियां नहीं बनी, यूँ कहें कि थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा था कि जो सपना उन्होंने आपके लिए देखा था वो अभी भी मेरे से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि काश मैं अभी भी, मतलब शायद मैं उनके लिए अभी भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दूँ। बट क्या होता है ना कि हम सबके लाइफ में एक अपना एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, जिसके हिसाब से हम अपना लाइफ स्टाइल सेट करते हैं और हम कोशिश करते हैं उसको पाने की। तो वो चीज़ है, अब जहाँ मन लग रहा है वही मन लग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम जीवन में जो कुछ बनना चाहते हैं, हमारा जो सपना होता है, हमें उसको जीना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमें जो है ना सुकून मिलता है जी। बिल्कुल। अच्छा, गाना गाने की प्रेरणा, जैसे कि आपने बात कही कि आपके पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, आप गायक बनना चाहते थे, तो निश्चित रूप से हमारे जो भी अभिभावक हैं यहाँ से सुन पा रहे हैं, हम उनसे निवेदन भी करेंगे इस स्टूडियो से कि जो बच्चा जो बनना चाहता हो उसको वही बनने दिया जाए, क्योंकि उसकी काबिलियत को नई उड़ान तभी मिलेगी जब वो उसको दिल से करेगा। बिल्कुल। जब आप किसी, कहा भी गया है कि जब आप अपने हुनर के साथ रोमांस करते हैं ना, तो असली बादशाह बनते हैं। तो निश्चित रूप से
आपके पिता को भी फख्र होगा जब एक अच्छे गायक के रूप में आपकी पहचान बनेगी और उस दिन वो दूर नहीं होगा। जी मेरा ड्रीम भी ये है कि मैं चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ जी जी बस एक चीज़ पाने के लिए कर रहा हूँ। मुझको बहुत ज़्यादा ये पैसा नहीं चाहिए, ज़्यादा सक्सेस नहीं चाहिए, बट इतना सक्सेस चाहिए कि एक दिन मेरे पापा मुझको गले लगाकर सबके सामने बोलें कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जरूर जरूर, आई एम श्योर, निश्चित है कि आप इतना आगे जाइएगा ना, क्योंकि आप बहुत उभरते हुए कलाकार, बहुत अच्छा कर रहे हो, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, गाना गाने की प्रेरणा, जैसा कि आपने कहा कि आप गायक बनना चाहते हैं जी, और कहीं ना कहीं कुछ करने का जो जुनून होता है ना, किसी से कहीं हम प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं से हमारी शुरुआत होती है जी, जी, तो गाना गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? वैसे मैं क्लास 3 से ही गाना गा रहा हूँ, बट पहले मैं गाने से बहुत भागता था, मुझको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था जी, जी, और मैं खेलता भी था, बहुत बहुत खेला मैंने क्रिकेट। बट क्लास 9th में जब मैं था, मैं यूथ फेस्टिवल गया था अपने स्कूल की तरफ से, और वहाँ पर जब मैंने गाना गाया तो लोगों ने मुझको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया कि यार तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छा गाते हो, और वहाँ पे मैंने ना मतलब फ़ैन बनते देखा जी जी, कि लोग मेरे फ़ैन हो रहे हैं कि पहली बार आपने अपने फ़ैन को वहाँ देख लिया। जी वहाँ देखा मैंने कि सारे लोग मुझको अप्रिसिएट कर रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं, तो मुझको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जो एक अप्रिसिएशन होता है ना, तो वो कभी कभी मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है जी जी, निश्चित रूप से। तो वो चीज़ मुझको जब वहाँ से मिलना शुरू हुआ तो मुझको लगा कि नहीं, शायद ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, मुझको ये करना चाहिए। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मुझको मैंने फाइनल किया कि अब ये करने लायक। आपको उनका जो प्यार मिला उसने आपको मतलब नज़रिया आपको बदल दिया कि भाई ये सही रहेगा जी। अच्छा, आप चूंकि हर गायक का कोई ना कोई पसंदीदा गायक होता है जी, जिसका सा वो बनना चाहता है, तो आपके पसंदीदा गायक कौन थे? बहुत सारे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझको वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। मैं कभी नहीं बन सकता उनके जैसा, उनके तो मतलब करीब भी नहीं जा सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना सा भी उनके गाने को मतलब एक वो दे सकूँ, मतलब एक सही तरीके से पेश कर सकूँ उनके गाने को, तो वो कोशिश हम चाहेंगे कि चूंकि जिस गायक का आप नाम आपने लिया है, सच में वो गायकी में उन बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, हम चाहेंगे कि उनके गाने दो चार नगमे उनके जो हैं यहाँ पे आप रखें, ताकि हमारे दर्शक भी उनको याद करें और आपको भी जानें। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। दिल की बात लबों तक ला कर अब तक हम दुख सहते हैं, मैंने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, के एक मुझे आवारा कहना कोई बहुत बड़ा इल्जाम तो नहीं, अरे दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, कि बेहिजावाना वो सामने आ गए, बेहिजावाना वो सामने आ गए, बेहिजावाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गए, आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, जब नजर से नजर मिलाई तो मजा आ गया। हम चाहेंगे कि कुछ और नगमे इसके अलावा भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। कोशिश करता हूँ। ओ ये लाइन एक्चुअली मैंने खुद से लिखा है, लिरिक्स मैंने खुद से लिखा है, बट कॉम्पोजिशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की है। ओ सितम करने वाले जरा ढंग से करना, सितम करने वाले जरा ढंग से करना,
कहीं रह ना जाए कसर तुमसे कोई, कहीं रह ना जाए कसर तुमसे कोई, दिए हैं हजारों जख्म तुमने मुझको, दिए हैं हजारों जख्म तुमने मुझको, जरा एक जख्म आजमा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। बहुत खूब, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यूट्यूब पर आप अपने गाने को लोगों के लिए शेयर करते हैं? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो गाने आप आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी अपने गीत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यहाँ इसकी जो शुरुआत आपने कैसी की? ये भी मैंने जब मैं पढ़ने गया था मेडिकल करने के लिए कोटा गया था, तो वहाँ पे जिन्हों से मैं सीख रहा हूँ अभी म्यूज़िक प्रोडक्शन, आदिल नज़वी, तो आदिल नज़वी भैया वो मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझको अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। जी जी। तो उन्होंने मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया था, माई तेरी चुनर, तो वो गाना मैंने सबसे पहला गाना मैंने वही अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, और बहुत प्यार भी मिला था उस गाने को। हम चाहेंगे कि उसके वो गाना, क्योंकि जब भी वो गाना बजता है ना तो हमारे शरीर का हर रोया देशभक्ति में खड़ा हो जाता है, यानी जो भी उस गीत को सुनता है ना लगता है कि वो गीत बिल्कुल दिल दिल के पास से, मतलब देशभक्ति का जो हमारे लिए, हम सभी देश के लिए जीते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक जो भी यहाँ से सुन रहे हैं आप उनके दिलों में देशभक्ति का जो है भावना उस गीत के माध्यम से। मैं सुनाता हूँ एक्चुअली ये गाना हम सब अपने माओ को डेडिकेट करते हैं, और ये जो हम जिस देश में रह रहे हैं वो भी हमारी माँ है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देशभक्ति का भावना भी इस गीत से आती है, क्योंकि हम अपने भारत माँ को अपनी माँ की तरह पूजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जिस पर हमने जन्म लिया, जिस दुलार भरी माँ ने अपने गोद से चिपका लिया और उसका अन्न खाकर हम बड़े हुए, बिल्कुल वो भारत, वो हमारी माँ है, भारत माँ है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा अपने तरह ने। जी मैं सुनाता हूँ। जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में कोई बात नहीं। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ मां, एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हुआ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा, माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, मेरी परछाई तेरा ख्याल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। बहुत खूब। सच में जो गीत आपने यहाँ से गाया है, सच में हमारे दर्शकों को, दिल को बहुत सुकून दे रहा होगा, और हम सब हमारे सभी दर्शक चाहते होंगे कि निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा गायक बने, हमारे देश और समाज का नाम हो। एक्चुअली क्या है कि अभी यहाँ पर स्केल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो परफेक्ट स्केल नहीं, हम समझ सकते हैं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आप जो गाएंगे, जी उसका, बिल्कुल, फिर भी आपने जो आपके जो साउंड है ना, जो आपका लय है, वो एक सुकून देने वाला है। जी वो गाना जो काफ़ी, चूँकि बहुत सारे गाने आपने अभी तक गाए हैं, वो गाना जो यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हुआ है, जिसने आपको यूँ कहें कि रातों रात स्टार बना दिया हो। सबसे पहली बात कि मैं कभी खुद को स्टार नहीं मानता, क्योंकि हम सब जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो स्ट्रगलर होते हैं, और जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है तो उसको वो स्ट्रगल करना होता है, जैसे सेलिब्रिटी बनने से पहले हमको स्ट्रगल करना होता है कि हम सेलिब्रिटी बने। मेरा सेंस इस स्टार में सेंस जी था जी, कि इसने आपको लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा। जी जी। तो वो गाना
तुम्हें दिल लगी मैंने कहीं पे परफॉर्म किया था जी जी भरवल महोत्सव होता है हमारे यहाँ भरवल महोत्सव होता है हर साल छठ पूजा में जी तो वहाँ पे मैंने तुम्हें दिल लगी वो मेरा सबसे पहला स्टेज परफॉर्मेंस था और मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था जहाँ पे मोहम्मद अजीज साहब आए हुए थे जी जी तो वहाँ पे मैंने तुम्हें दिल लगी गाना गाया था कि जिस तरह से आपका वो पहला परफॉर्मेंस वहाँ स्टेज शो पे हुआ था हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो गीत भी सुनाएं जी बिल्कुल बट मैं एक गाना है जो कि जिसने मुझको बहुत ज़्यादा प्यार दिलाया जी जी और वो गाना अभी रिसेंट में हम चाहेंगे बारी बारी से दोनों ही गीत तो वो गाना अभी रिसेंट में अपलोड किया था मैंने बट कुछ कारण की वजह से वो डिलीट हो गया वहाँ से। अच्छा सुनने में ये भी आया कि जिस गाने को आपने रिलीज किया जिस गाने को बहुत आपने बहुत मेहनत से उसको दर्शकों के लिए जी जी किसी ने उसे यूँ कहें कि पता नहीं क्या हुआ कि वो गाना डिलीट कर दिया गया। एक्चुअली किसी ने उस चैनल को हैक करके और मेरे गाने को वहाँ से डिलीट कर दिया जबकि वो बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा था वो गाना। खैर कोई बात नहीं कोई भी मेरा टैलेंट हैक नहीं कर सकता है तो मैं फिर से कोशिश करूँगा फिर से डालूँगा। निश्चित रूप से निश्चित रूप से मैं वो गाना सुनाता हूँ वो मेरी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है जी जी। तेरे लई जग छड़ जावांगा तेरे लई रब नू मनावांगा तेरे लई जग छड़ जावांगा तेरे लई रब नू मनावांगा तू मैनू कल्ले छड़ के ना जा ओ दिल तोड़ के ना जा यूं छोड़ के ना जा ओ जाने वाले लोग कहेंगे तू बेवफा ओ दिल तोड़ के ना जा यूं छोड़ के ना जा ओ जाने वाले लोग कहेंगे तू बेवफा। बहुत ये गाना है और दूसरा एक और जिसके बारे में हमने कहा जी मैं वो भी सुना देता हूँ वो मैंने एक्चुअली पहले सुना दिया है तो फिर भी सुना देता हूँ। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह हो मैं आकर तो देखो मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। सच में मोहब्बत जो होती है ना एक एहसास होता है जी कहा भी गया है कि जो लव इज लाइफ प्यार ही जीवन है और हर चाहे हम किसी भी रूप में देखें किसी को संसार ने इसे अपनाया है वेद पुराण हर जगह इसमें उसके लिए बखान किया गया है रियल लव इज गॉड। बिल्कुल अच्छा अभी बहुत बड़ा लगभग पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि हाँ सुबह जब ये सुबह से शुरू होता है और रात तक एक न्यूज हर जगह चल रहा है खबर जो है सुर्खियों में है सुशांत सिंह राजपूत उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक उभरते हुए सितारे का एक तरह से डूब जाना जैसा है पूरा बॉलीवुड परिवार मनमाहत है उनसे ठीक है कि उनका वो जाना सबके कहीं ना कहीं सब उनको याद करता है कि वो हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े सितारे थे जी। हम चाहेंगे कि आप उन्हें अपने गीत के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दें उनके उनके गीत को गुनगुनाएं। जी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ उनका एक गाना था खैरियत पूछो जी जी निश्चित उसको पूरा तो नहीं आता बट मैं बस थोड़ा दो चार लाइन खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तेरे बिन दिल दीवाने का क्या हाल है ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तेरे बिन दिल दीवाने का क्या हाल है। बहुत सुंदर मैं एक्चुअली कुछ कहना चाहता अच्छा, हूँ इस टॉपिक के ऊपर निश्चित रूप से एक्चुअली अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर थे जी जी निश्चित रूप से और उनका यूँ जाना ये बहुत सदमा भरा था सबके लिए जी 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 बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें ये चीज़ कि हम ट्रोल कर रहे थे बहुत सारे लोगों को कि इसकी वजह से इनका डेथ हुआ इसकी वजह से इनका डेथ हुआ बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उस सब के ज़िम्मेदार हम पब्लिक होते हैं क्योंकि ना जाने कितने सुशांत सिंह राजपूत अभी भी हैं जो बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं एक्टिंग के मामले में सिंगिंग के मामले में बट लोग हम क्या करते हैं ना जो पहले से प्रमोट नहीं करते हाँ उनको प्रमोट नहीं करते। अभी कोई सिंगर है
जो भी सिंगर है जो फेमस है। अच्छा आपने बहुत बड़ी बात कही कि सच में इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं, जी, जी, जो उभरते हुए सितारे हैं जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, कहीं ना कहीं इस मतलब इस मनोवृत्ति के कारण जो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे लोग हैं जो प्रसिद्धि पा चुके हैं, जो नामचीन कलाकार हैं, वो नहीं चाहते कि वो आगे आए, या उनको इग्नोर किया जाता है, या इस तरह से उनको मतलब इस तरह से प्रताड़ित कह सकते हैं, मानसिक रूप से इतनी प्रताड़नाएं दी जाती हैं कि वो हताश होकर निराश होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। सबसे पहले तो सुसाइड कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, जी जी नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे इससे सिर्फ हम अपने आप को खो देते हैं और बाकी लोग जो अफसोस जताते हैं वह जताते हैं, फिर दो दिन तीन के बाद फिर भूल जाते हैं, तो ये हमारा ही नुकसान है। हम जो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, देखिए हर चीज़ जो होता है ना वो पब्लिक के ऊपर होता है, जी जी हम पब्लिक ही नेहा कक्कर जैसे सिंगर्स को फॉलो करके 45 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, 50 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, और लता मंगेशकर जैसे लेजेंडरी सिंगर को 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलो उनका फॉलोअर होता है, तो ये हम कर रहे हैं, फॉलो हम कर रहे हैं, कोई दूसरा आर्टिस्ट नहीं कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं गलती हमारे में, कमी हमारे में। अच्छा अभी आपने भारत के यूं कहें कि स्वर जो संगीत है जी, उस संगीत में उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है हमारे लिए, यूं कहें कि सबके लिए दीर्घकाल तक वो हमेशा रोल मॉडल ही रहेंगी सबके लिए, जो श्रद्धे हैं लता मंगेशकर की बात कही आपने, आपको नहीं लगता कि आज की जो गायकी है और पहले की जो गायकी थी दोनों में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है? बहुत। किस नज़र से देखते हैं उसको? मैं पॉजिटिव भी देखता हूँ और नेगेटिव भी देखता हूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपना जो एक लेवल होता है ना वो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट नेगेटिविटी अगर उसमें निकाले तो ये है कि हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, जो हमारा एक हमारे म्यूज़िक में जो एक पहचान होता था, तो अब वो जो वेस्टर्न सिंगर्स होते हैं ना या वेस्टर्न, मेरा कहना ये था कि एक तरह स्वर कोकिला का एक जो है उनको उपाधि दी गई है, जी 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 लता मंगेशकर जी, जी जी बिल्कुल, लेकिन बाद के जितने भी कलाकार आ रहे हैं उस तरह से हमको नहीं लगा कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का श्रद्धा या उस तरह का जो नहीं 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 है एक टैग होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों क्या वजह हो सकती है इसकी? क्योंकि अब पहले सिंगिंग करना ना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि पहले जब रिकॉर्डिंग हो रही होती थी तो स्टूडियोज में लाइव परफॉर्मेंस मतलब लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती थी हर चीज़ के लिए, तो उसके लिए सिंगर को परफेक्ट होना, पहले ऑटो ट्यून नहीं होता था, अब ऑटो ट्यून है, अब जिसको नहीं भी आता सलमान खान गाना गा रहा है जी, तो अब जिसको नहीं आता है तो बहुत सारा ऐसा प्लगइन्स है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ बहुत सारे सिंगर्स के गाने पे, खुद के गाने पे भी जी जी, कि ऑटो ट्यून लगा दें तो वो सिंगर खुद ब खुद सुरीला हो जाता है जी जी, तो सुर ठीक भी होता है। अच्छा, तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, अब तो आप देखिए कि हर दूसरे तीसरे बंदे के बाद जो होता है वो सिंगर बनना चाहता है। एक चीज नया नया जो है फैशन चला है कि दूसरे के गाने को चुराना उसको या उसको तोड़ मोड़ के अपने रूप में अपने गाने के रूप में पेश करना, उसको हम कवर सॉन्ग कह सकते हैं, या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अच्छा भी है, अच्छा ही है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जो जो हमारा गाना है जो हमारे इंडस्ट्री का गाना है वो क्या है धीरे 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 ख़त्म होता जा रहा है, अब एक अच्छा आइडिया है लोगों का कि वो उसी गाने को मतलब रिफ्रेश करके नई थीम में उसको पेश कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी जो गाने की विधा है, फोक है, वेस्टर्न है, सूफी है, बॉलीवुड सॉन्ग है, गजल है, अलग अलग तरह के चल रहे हैं, तो इसमें से किसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी गायकी आपको बहुत पसंद है? सभी अच्छे हैं, क्योंकि म्यूजिक तो म्यूजिक है, वो चाहे नहीं आप हर प्रकार की गायकी करते हैं जी, लेकिन जो सबसे ज्यादा आप आपको लगता होगा कि ये मतलब सूफी, ऑफ कोर्स सूफी। अच्छा सूफी गाना, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने बेहतरीन सूफी भी यहाँ से जी, मैं कोशिश करता हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा देकर छोड़ा है किसी ने।
अच्छा लोकगीत जो कि हमारी पहचान होती थी, जिसमें हमारे समाज का, हमारी मिट्टी का खुशबू होता था, आपको नहीं लगता कि लोकगीत आज जो है गुमसा होता जा रहा है? बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? अब भी अब जो लोगों का टेस्ट हो चुका है ना, वो बहुत डिफरेंट हो चुका है, बहुत अलग हो चुका है। अब सबको ना, एक तो लोग इतना ज़्यादा मतलब बिजी हो चुके हैं कि लोगों का गाना भी बहुत छोटा चाहिए। पहले 5 मिनट का गाना बनता था, जी जी, अब बनता है 3 मिनट का, 2 मिनट का, उसको भी वो सही से नहीं सुनते, भगा भगा के सुनते जी। और लोगों को ना वेस्टर्न फ्लेवर ज़्यादा पसंद आने लग गया। मतलब टोटली हम ये कहें कि हम ना अपना जो हमारा जो फ्लेवर था वो छोड़ के हमने वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न चीज़ों को अपना लिया है जी। तो अब ये तो होना ही, जब हम किसी और के कल्चर को अपनाएंगे तो अपना कल्चर तो वाजिब सी बात है वो पीछा चला जाएगा। लेकिन आज जरूरत इस बात की भी है कि जो हमारा लोकगीत है हम उसे जिंदा रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे समाज का वो आयना है, जिसमें हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी आम जीवन दिनचर्या है, वो उसका एक तरह से दर्शन होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो नए नए गीत आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि संगीत का मानव और समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यूँ कहें कि उनकी सोच काफ़ी प्रभावित होती है, दिल के काफ़ी पास होता है संगीत। लेकिन नए नए जो गाने आ रहे हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कि सभी गाने को, लेकिन बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिसने समाज में फुहड़पन या समाज के लोगों को, चूँकि खास करके युवाओं को जो एक गलत रास्ते पे की ओर धकेला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली क्या है कि आजकल लोग ना लाइफस्टाइल जो है ना, वो फिल्म देख के और गाने को देख के और इन सारे चीज़ों को देख के मतलब आइडिया लगाते हैं कि ये लाइफस्टाइल है हमारा, ये होना चाहिए। तो अब गाने वैसे निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गाने जी, बहुत सारे, इसको आप परिवार के साथ नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, खुले में समाज के बीच में है, पब्लिकली है, तो आप वो गाना नहीं बजा सकते, काफ़ी शर्मसार होना पड़ता है कभी कभी ऐसा होता है। बट क्या कर सकते हैं हम, हमारे ही कंट्री में उस गाने को अलाउ किया जा रहा है। चूंकि आप उभरते हुए गायक हैं तो हमारे स्टूडियो से आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो गायक गीत गाते हैं उनको? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के गीतों के ऊपर रोक लगाया जाए, बैन किया जाए। अच्छे गीत अगर हम पब्लिक को सुनाएंगे, अच्छे, क्योंकि जो हम सुनाएंगे वही पब्लिक सुनेगी। अगर हम अच्छी चीज़ें सुनाएंगे तो बेशक पब्लिक अच्छी चीज़ ही सुनेगी, अगर हम गंदी चीज़ें और गलत चीज़ें सुनाएंगे तो वो वही सुनेगी। और इससे क्या होता है ना कि समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। अगर कहीं पे कोई वल्गर सा गाना चल रहा है तो अब जाहिर सी बात है कि हम वहाँ से अपने घर की जो, हमारे घर की जो माँ बहन है उनको हम ले कर जा रहे हैं और गाना बज रहा है तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तो वो गाना ज़रूर सुने जो हम अपने घर में अपने माँ बहन के साथ बैठ के सुन सकते, और वो गाना ना सुने जो नहीं सुन सकते। अच्छा, संगीत के माध्यम से जी, चूंकि जो युवा आजकल के, मैंने पहले कहा कि अभी जो अभी का जो दौर है, इस दौर में युवा अपने आप को काफ़ी मतलब उनमें धैर्य की कमी है, बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आई सामने क्या घबरा गए और हार मान लिया। तो गीत के माध्यम से उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे कि उन्हें ऐसा कुछ गीत आप उनको सुनाएं जो यहाँ से वो दर्शक सुने और वो मोटिवेट हो? मैं चाहूँगा उनको मोटिवेट करते हुए कुछ तरावने आप गुनगुनाएं। एक गाना है शफकत अमानत अली खान साहब का, ये हौसला कैसे झुके, ये हौसला कैसे झुके। तो इस गाने का मेन मतलब ये है कि ये हौसला जो हौसला होता है ना हमारा, हमारे लिए सब कुछ होता है, अगर ये टूट जाए ना तो फिर इंसान खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। तो अब क्या है ना, हर चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में एक चीज़ है ऊपर वाले ने दिया है, मेहनत। जी जी, हम बस वो करते रहें और हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता ना करना, क्योंकि फल देने वाला ईश्वर है। अगर उन्होंने लिखा है कि मेरे किस्मत में वो हमको मिलेगा तो वो मिलेगा और वो सही समय पर मिलेगा। जी जी, तो उसका वेट करना चाहिए। अगर ना मिले तो भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, अपना जिंदगी अपना काम करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, बेगूसराय जिस जिले में आप रहते हैं जी, कला संस्कृति साहित्य में बहुत आगे रही है, राष्ट्रीय फलक पर इसका अपनी पहचान है, और आप उस जिले से, दिनकर की धरती से आप आते हैं, गर्व होना चाहिए हमारा जिले जी, पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बेगूसराय के लिए आप क्या सोचते हैं कि गायकी के क्षेत्र में बेगूसराय को कहाँ देखते हैं, और आप किस प्रकार बेगूसराय के लिए क्या करना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो बेगूसराय में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो कि शायद किसी कारण बस निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर साधन नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितने स्टूडियोज़ हैं,
मुश्किल से अभी एक दो ओपन होना शुरू हुआ है कि एक दो खुले हैं, तो लोग गाना गाना चाहते हैं बट वो गा के अंदर ही रह जाते हैं। बाकी माहौल भी थोड़ा यहाँ का लोगों ने ख़राब करके रखा है, सिंगर्स को अच्छे नज़र से नहीं देखते, उनको लगता है कि अच्छा नाचने गाने वाला है। तो ये सोच जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमको पीछे धकेलता है। इस सोच को चेंज करना पड़ेगा, और ये सोच तब चेंज होगी जब हम बेगूसराय के जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मतलब कहीं के, मतलब बेगूसराय में किसी भी एरिया के हों, उनको अगर हम चांस दें, अगर उनको हम थोड़ा आगे लाएँ, यूट्यूब तक भी लाएँ अगर, तो लोगों के अंदर ये चीज़ आएगा कि नहीं यार ये भी एक प्लेटफॉर्म है, इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। और मैंने ये कोशिश किया है, मैंने बहुत सारे सिंगर्स को अभी मैसेज भी किया था व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पे भी मैंने डाला है कि जो भी गाना गाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मुझको कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो हम बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गवाएंगे। अच्छा साहब जी, आप लगातार देख रहे होंगे यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, और फेसबुक डॉक्टर रोशन कुमार के फेसबुक पेज पर ग्रुप है एक गाता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, उस पर बहुत तरह के कार्यक्रम को आपने देखा होगा या देख रहे होंगे। यह हर रोज़ अलग तरह के जो साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, विद्वत जन हैं, समाजसेवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, कलाकार हैं, वो अपने अपने विचार हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और यह विचार हम इस स्टूडियो के माध्यम से आम लोगों के विचार बन जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस वैचारिक क्रांति में हमें और हमारे विचार लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर रोशन कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ से ना जो हिडन आर्टिस्ट होते हैं, जो हिडन छिपे हुए कलाकार हैं, वो सामने आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर इंटरव्यूज़ यहाँ के, तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझको देखने को मिले जिनको मैं नहीं जान रहा हूँ बट बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप छिपे कलाकार को और छिपे सीक्रेट स्टार, जो हमारे सीक्रेट स्टार, उनको आप आगे रख रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा, इतना नेक काम कर रहे हैं, और डॉक्टर रोशन कुमार सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा अच्छा गाना गा के हमारे दर्शकों को सुना रहे हैं। थैंक यू। हम चाहेंगे चलते चलते आप पुनः एक बार दर्शकों को कुछ मीठे नगमे सुनाएं। जी बिल्कुल, सुनाते हैं। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, ओ रब दी कसम यारा, रब दी कसम। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत खूब। आप हमारे कवि स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत दूर तक आप नाम कमाएं, बहुत बड़ा कलाकार बने, और एक दिन आपके पिताजी को भी आप पर फख्र होगा। ठीक है, इसलिए तो होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सैफ जी। हम चाहेंगे कि माँ के लिए, देश हमारी माँ है, तो हम देश के लिए गीत के माध्यम से जी आप अपने प्रस्तुति से उन्हें हमारे देश की, अपनी माँ के प्रति श्रद्धा को गाएं। जी बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओ जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ओ जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हुआ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी
परछाई मेरी परछाई तेरा ख्याल मैं तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 रे उड़ा गुलाल मैं तेरी चुनरिया लहराई। बहुत खूब। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। अभी आपने एक उभरते हुए हमारे ज़िले के एक उभरते हुए युवा कलाकार यूट्यूब सिंगर मोहम्मद सैफ अली जी को सुना यहाँ से। इनके ये नगमे निश्चित रूप से दिल को काफ़ी सुकून देता है। हम केवी स्टूडियो की ओर से, हम दर्शकों की ओर से इन्हें काफ़ी प्यार मिले। हमारा एक यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके इन्हें आम लोगों का जो इनके बारे में इन्होंने जो गाया है लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार का जो फेसबुक पेज है उस पर एक ग्रुप है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसे भी अधिक से अधिक फॉलो करें। और हम चाहेंगे पुनः एक बार आप सभी दर्शकों से, जो मुहिम सर ने शुरू किया है उस मुहिम को अपने वैचारिक समर्थन के द्वारा मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।